ओम शांति। आज 20 अगस्त 2024, आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़े सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे साये 4 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक से जुड़ सकते हैं। यदि लिंक आपको नहीं मिल रहा है तो सामने व्हाट्सएप ग्रुप में नंबर दिखाई दे रहा है, उस व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर आप लिंक मंगा सकते हैं। और यदि आपको लिंक नहीं मिलता तो फिर YouTube पर भी लाइव जुड़ सकते हैं। और ये लिंक सवेरे के लिए भी, शाम के लिए भी और रोजाना के लिए एक ही रहता है। और आपका कोई प्रश्न हो तो भी आप इस व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं, और यदि आपका कोई सुझाव हो वो भी आप भेज सकते हैं, जिससे सबका हित हो सकता है। ओम शांति। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, काम काज करते हुए भी एक बाप की याद, काम काज करते हुए भी एक बाप की याद रहे। चलते फिरते बाप और घर को याद करो, चलते फिरते बाप को और घर को याद करो, यही तुम्हारी बहादुरी है, यही तुम्हारी बहादुरी है। प्रश्न, बाप का रिगार्ड और डिसरिगार्ड कब और कैसे होता है? रिगार्ड कैसे होता है और बाप का डिसरिगार्ड कैसे होता है? उत्तर, जब तुम बाप के बच्चे बाप को अच्छी तरह याद करते हो, अर्थात बाप का आप कहना मानते हो, तो बाप का रिगार्ड देते हो। अगर आप कहते याद करने की फुर्सत नहीं है ऐसे बाप को जो परम धाम से आके पढ़ा रहा है, उसको याद करने की फुर्सत नहीं है, तो ये फिर जैसे बाप का डिसरिगार्ड है। वास्तव में ये बाप का डिसरिगार्ड नहीं करते, किसका करते हैं? अपना। ये तो अपना ही डिसरिगार्ड है, क्योंकि बाप की श्रीमत पर चलने से हमारा ही भाग्य श्रेष्ठ बनना है, हमारा ही बाबा की श्रीमत पर न चलने से भाग्य का बेड़ा गर्क होना है। बाप को तो कोई लाभ या हानि होनी नहीं है, होनी है? उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाप का कोई रिगार्ड या डिसरिगार्ड नहीं होता। ये जो कुछ भी है, लाभ और हानि, रिगार्ड या डिसरिगार्ड, वो हमारा अपना है, अपना ही फायदा है और अपना ही नुकसान है। इसलिए नामी ग्रामी
केवल भाषण में नहीं, नामी ग्रामी केवल भाषण में नहीं लेकिन याद की यात्रा में बनो। नामी ग्रामी किसमें बनो? याद की यात्रा माना परमात्म डायरेक्शन पर चलकर हमारे में चढ़ती कला हो रही, और यदि सुधार नहीं आ रहा तो याद की यात्रा ही नहीं। याद का चार्ट रखो, याद से ही आत्मा सतो प्रधान बनेगी। जितना बाबा की श्रीमत पर चलेंगे उतना ही आत्मा सतो प्रधान बनेगी। हमें समझ में आया कि बाबा का कोई डिसरिगार्ड नहीं होता, बाबा का कोई डिसरिगार्ड नहीं होता। रिगार्ड या डिसरिगार्ड तो हम अपना करते हैं, तो जो अपने को स्वमान में रहता है, अपने को इज्जत देता है, अपने को महत्व देता है, उसी को ही बाबा की मदद मिलेगी। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, ये जो 84 के चक्र का ज्ञान समझाया जाता है ये तो एक नॉलेज है जो तो हम बच्चे बच्चों ने जन्म जन्मांतर पढ़ी है, और धारणा करते आए हैं, ये तो बिल्कुल सहज है। ये कोई नई बात नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक तुमने कितने पुनर्जन्म लिए? ज्यादा से ज्यादा 83 को 84 को क्योंकि 84वां जन्म तो मर जीवा जन्म है, 84वां जन्म तो और ये मर जीवा जन्म तो सबका होता है, चाहे वो थोड़ी देर के लिए मरे चाहे ज्यादा देर के लिए मरे। भूलना तो उसे है ही है कि बाप से मिलना है तो इस संसार से ममत्व खत्म करना ही करना है। ये ज्ञान तो सहज रीति बुद्धि में है ही, ये भी एक पढ़ाई है। रचना के आदि मध्य अंत को समझना है सो बाप के सिवाय और कोई समझा नहीं सकता। बाप कहते हैं इस ज्ञान से भी ऊंच बात याद की यात्रा। ज्ञान से भी ऊंची कौन सी बात है? याद की यात्रा, जिसको योग कहा जाता है। याद की यात्रा को योग कहा जाता है। योग अक्षर मशहूर है परंतु यह है याद की यात्रा। दुनिया वाले योग योग मेडिटेशन 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 और मेडिटेशन का पता ही नहीं क्या होता।
याद की यात्रा को मेडिटेशन कहा जाए। डेफिनेशन ही बाबा चेंज कर दे। बाबा की श्रीमत पर चलकर सुधरना ही मेडिटेशन है। सुधार नहीं आ रहा फिर किस लिए मेडिटेशन किया भाई? मेडिटेशन करने के लिए आए हैं हम, अपना सुधार करने के लिए आए ना। दवाई खाई ठीक नहीं हुए, क्या फायदा हुआ उस दवाई का? जैसे मनुष्य यात्रा पर जाते हैं कहेंगे हम फलाने तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, श्रीनाथ या अमरनाथ जाते हैं, तो वो याद रहता है। अभी तुम जानते हो रूहानी बाप तो बड़ी लंबी यात्रा सिखलाते हैं कि मुझे याद करो। उन यात्राओं से तो फिर लौट आते हैं। ये वो यात्रा है जो मुक्ति धाम में जाकर निवास करना है। ये वो यात्रा जो बाबा सिखा रहे हैं कि हमें मुक्ति धाम, परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम जाकर क्या करना है? वास करना। बल पार्ट में आना है। वास करने के बाद क्या करना है? अपने ड्रामा अनुसार, अपने पार्ट अनुसार। परंतु इस पुरानी दुनिया में नहीं, परम धाम से आने पर नई दुनिया ही शुरू होती है। इस पुरानी दुनिया से तुमको वैराग्य है। ये तो छी छी रावण राज्य है। तो मूल बात है याद की यात्रा, मूल बात है याद की यात्रा। कई बच्चे ये भी समझते हैं, समझते नहीं है कि कैसे याद करना है। कोई याद करते हैं वह नहीं करते हैं, ये देखने में तो कोई को देखने वाले तो कोई चीज है नहीं, क्या अभी देखने से पता लग रहा है ये बाबा को याद कर रहा है ये नहीं कर रहा है। ये देखने में तो कोई चीज नहीं आती है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। देखने की तो चीज नहीं, ना मालूम पड़ सकता है कि ये उस अवस्था में है। कहां तक याद की यात्रा में कायम रहते हैं ये तो खुद ही जाने, ये कोई दूसरा युक्ति तो बहुतों को बताते हैं। कल्याणकारी बाप ने समझाया है अपने को आत्मा समझ, शिव बाबा को याद करो।
फल अपनी सर्विस भी करते रहो। जैसे मिसाल पहरे पर बच्चे हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, इनको याद में रहना तो बड़ा सहज है, सिवाय बाप की याद के और कुछ याद नहीं आना चाहिए। बाबा मिसाल दे बताते हैं, उस याद की यात्रा में ही आए जाए जैसे पादरी लोग जाते हैं, कितना साइलेंस में जाते हैं, तो तुम बच्चों को भी बड़ा प्रेम से बाप और घर को याद करना। ये मंजिल बड़ी भारी है, भक्त लोग भी यही पुरुषार्थ करते रहते हैं। परंतु उनको ये पता नहीं है कि हमको वापस जाना है, वे तो समझते हैं जब कलयुग पूरा होगा तब जाएंगे। उनको भी ऐसे सिखलाने वाला तो कोई है नहीं। तुम बच्चों को तो सिखलाया जाता है, जैसे पहरा देते हो तो एकांत में जितना बाप को याद करेंगे उतना अच्छा। याद से पाप करते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है, एक जन्म के नहीं है, जो पहले सत्व प्रधान बनते हैं राम राज्य में भी पहले वे जाते हैं, तो उनको ही सबसे जास्ती याद की यात्रा में रहना है। कल्प की बात है तो इनको याद की यात्रा में रहने का अच्छा चांस। यहां तो कोई लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं। आते जाते अथवा बैठते एक पंथ दो कारी, अपना पैरा भी दो, बाबा को याद भी करो, डबल काम है ना, फायदा हो रहा है ना। कर्म करते बाप को याद करते रहो, पैरे वाले को तो सबसे जास्ती फायदा है, चाहे दिन का दिन को तो चाहे रात को, जो पैरा देते हैं उन्हों के लिए तो बहुत फायदा है। अगर तो फायदा है, अगर ये याद रहने की आदत पड़ जाए तो। बाप ने ये सर्विस बहुत अच्छी दी है, पैरा और याद की यात्रा, ये भी चांस मिलता है बाप की याद में रहने का। ये भिन्न भिन्न युक्तियां बताई जाती हैं याद की यात्रा में रहने की। यहां तुम जितना याद में रह सकेंगे उतना बार धंधे आदि में नहीं, इसलिए मधुबन में आते हैं रिफ्रेश होने। एकांत में जाकर एक पहाड़ी पर बैठ याद की यात्रा में रहें और फिर एक जाए
वह दो तीन जाएं, यह चांस बहुत अच्छा है। यही है मुख्य बाप की याद। भारत का प्राचीन योग मशहूर भी है, बहुत है। अब तुम समझते हो इस याद की यात्रा से पाप करते हैं। हम सतो प्रधान बन जाएंगे तो इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। बहादुरी तो इसमें है जो काम करते बाप को याद कर दिखला। कर्म तो करना ही है क्योंकि तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। गृहस्थ व्यवहार में रहते, धंधा आदि करते, बुद्धि में बाप की याद रहे, इसमें तुम्हारी बहुत कमाई। भल अभी कई बच्चों की बुद्धि में नहीं आता, बाप कहते रहते हैं चार्ट रखो, थोड़ा बहुत कोई लिखते हैं। बाप युक्तियां तो बहुत बताते हैं, बच्चे चाहते हैं बाबा के पास जाएं। यहां बहुत कमाई कर सकते हैं, एकांत बहुत अच्छी है। बाप सन्मुख बैठे हैं, बैठ समझाते हैं। क्या समझाते हैं? मुझे याद करो तो पाप कट जाए, मेरी श्रीमत पर चलो तो पाप कट जाए, बाकी नाम रटने से नहीं। क्योंकि जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं, विकार के लिए कितने झगड़े चलते हैं, विघन पड़ते हैं। कहते हैं बाबा हमको पवित्र रहने नहीं देते। बाप कहते हैं बच्चे तुम याद की यात्रा में रहे, जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं वो बोझा उतारो। घर बैठे से बाबा को याद करते रहो। याद तो कहां भी बैठकर कर सकते हो, कहां भी रहते ये प्रैक्टिस करनी है। जो भी आए उनको भी पैगाम दो। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इनको ही योग बल कहा जाता है। बल माना ताकत शक्ति। बाप को सर्वशक्तिमान कहते हैं तो वे शक्ति बाप से कैसे मिलेगी, वे शक्ति बाप से कैसे मिलेगी। बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो। तुम नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान बन गए हो, तमो प्रधान तो वे शक्ति बिल्कुल खत्म हो गई है, पाई की भी नहीं रही है। तुम्हारे में भी कोई है
जो अच्छी रीति समझाते हैं। तुम्हारे में भी कोई बच्चे हैं जो अच्छी रीति समझाते हैं, बाप को याद करते हैं, तो अपने से पूछना है हमारा चार्ट कैसा चलता है। समझाते हैं वो दूसरे अलग, हमारा उनसे कोई मतलब नहीं, समझाने वाले से हमारा कोई मतलब नहीं, क्योंकि समझाया उसने कौन सी बात, बाबा की बात। और तो हमने चेक ये करना है, वो याद करेंगे तो उनको मिलेगा, वो पुरुषार्थ करेंगे तो उनको मिलेगा। मैंने कितना पुरुषार्थ किया, मैंने बाबा की श्रीमत पर कितना चलकर अपने आप को ऊंच उठाया। हमारा चार्ट कैसा रहता है, बाप तो सब बच्चों को कहते हैं याद की यात्रा मुख्य है, याद से ही तुम्हारे पाप कटेंगे। भल कोई सावधान करने वाला भी नहीं हो तो भी बाप को याद कर सकते हो ना। भल विलायत में अकेले रहो, विलायत में अकेले रहो तो भी याद में रह सकते। समझो कोई शादी किया हुआ है, स्त्री और कोई जगह है तो उनको भी लिख सकते हो। तुम एक बात सिर्फ याद करो, बाप को याद करो, तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म, जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। विनाश सामने खड़ा है। बाप युक्तियां तो बहुत अच्छी समझाते रहते, फिर कोई करे ना करे उनकी मर्जी। बच्चे भी समझते होंगे कि बाप राय तो बहुत अच्छी देते हैं, हमारा काम है मित्र संबंधी आदि जो भी मिले सबको पैगाम देना। कोई भी मित्र मिले, दोस्त हो या कोई भी हो, सर्विस का शौक चाहिए। तुम्हारे पास चित्र तो है, बैज भी है, ये बड़ी अच्छी चीज है। बैज किसको भी लक्ष्मी नारायण बना सकता है। त्रिमूर्ति के चित्र पर अच्छी तरह समझाना है, इनके ऊपर शिव है, वो लोग त्रिमूर्ति बनाते हैं, ऊपर में शिव दिखाते नहीं। शिव को ना जानने के कारण भारत का बेड़ा डूब गया, भारत का बेड़ा डूबा हुआ है। अब शिव बाबा द्वारा ही भारत का बेड़ा पार होता है। पुकारते हैं पतित पावन आकर हम पतितों को पावन बना। फिर भी सर्वव्यापी कह देते, तुम बुला रहे हो वो सब जगह है, क्या मतलब हुआ? जो सब जगह है फिर उसे बुला क्यों रहे हो? कितनी पाई पैसे की भूल है। बाप बैठ समझाते हैं तुमको ऐसे ऐसे भाषण करना है, बाप भी डायरेक्शन देते रहते हैं,
ऐसे म्यूजियम खोलो, सर्विस करो तो बहुत आएंगे। सर्कस भी बड़े बड़े शहरों में खोलते हैं। सर्कस भी बड़े बड़े शहरों में खोलते हैं ना। गांव गांव से देखने के लिए लोग आते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं तुम भी ऐसा खूबसूरत म्यूजियम बनाओ जो देखकर खुश हो, जो देखकर खुश हो जाए। फिर औरों को जाकर सुनाएं, ये भी समझते हैं जो कुछ सर्विस होती है कल्प पहले मिसल होती। परंतु सत्तो प्रधान बनने का ओना बहुत रखना है, इसमें ही बच्चे गफलत करते हैं। इसमें ही बच्चे क्या करते हैं, गफलत करते। माया विघ्न भी इस याद की यात्रा में ही डालती है। अपने दिल से पूछना है कि इतना हमको शौक है, मेहनत करते हैं, ज्ञान तो कॉमन बात है, बाप बिगर 84 का चक्कर कोई समझा ना सके, बाकी याद की यात्रा है मुख्य। कोई भी याद ना आए सिवाय एक बार। डायरेक्शन तो बाप पूरे देते हैं, डायरेक्शन तो बाप पूरे देते रहते हैं, मुख्य बात है याद करने की। तुम कोई को भी समझा सकते हो, बाप कोई भी हो, तुम सिर्फ बैज पर समझाओ और कोई के पास ऐसे अर्थ सहित मेडल नहीं होते, बैज नहीं होते। मिलिट्री वाले अच्छा काम करते हैं तो उनको मेडल मिलते हैं, राय साहब का मेडल सब देखेंगे, इनको वाइस राय से टाइटल मिला है। आगे वाइस राय होते थे, अभी तो उनके पास कोई पावर नहीं है, अभी तो कितने झगड़े लग पड़े हैं। मनुष्य बहुत हो गए, मनुष्य बहुत हो गए हैं, तो उनके लिए जमीन चाहिए शहर में। अभी बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, इतने सब खलास हो, बाकी थोड़े जाकर रहेंगे, जमीन ढेर रहेगी,
वहां तो सब कुछ नया होगा। उस नई दुनिया में चलने के लिए फिर अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं, बहुत ऊंच पद पाने का। कोई पूरा पुरुषार्थ नहीं करते तो समझते हैं नापास हो जाएंगे, खुद भी समझते हैं हम फेल हो जाएंगे, फिर पढ़ाई आदि को छोड़कर नौकरी में लग जाते। आजकल तो नौकरियों में भी बहुत कड़े कायदे निकालते रहते हैं, कायदे निकालते रहते हैं। मनुष्य बहुत दुखी है, मनुष्य क्या है, बहुत दुखी है। अब बाबा तुमको ऐसा रास्ता बताते हैं जो 21 जन्म कभी दुख का नाम नहीं रहेगा, कभी दुख का नाम नहीं रहेगा। बाप कहते हैं सिर्फ याद की यात्रा में रहो, जितना हो सके रात को बहुत अच्छा है, बल लेते हुए याद करो। कोई को फिर नींद आ जाती है, बूढ़ा होगा, जास्ती बैठ नहीं सकेगा तो जरूर सो जाएगा, लेते हुए बाप को याद करते रहेंगे, बड़ी खुशी अंदर में होती रहेगी, क्योंकि बहुत बहुत कमाई। ये तो समझते हैं, टाइम पड़ा है, परंतु मौत का कोई ठिकाना नहीं। तो बाप समझाते हैं मूल है याद की यात्रा। बाहर शहर में तो मुश्किल है, यहां आते हैं तो बड़ा अच्छा चांस है, कोई फिक्रात की बात ही नहीं, इसलिए यहां चार्ट बढ़ाते रहो। मधुबन में आ गए तो अपने चार्ट को बढ़ाते रहो, तुम्हारे करैक्टर्स भी इससे सुधरते जाएंगे। परंतु माया बड़ी दुष्कर है, घर में रहने वालों को इतना कदर नहीं रहता जितना बाहर वालों। फिर भी इस समय गोपों की रिजल्ट अच्छी, कई बच्चियां लिखती हैं शादी के लिए बहुत तंग करते हैं, क्या करें। जो मजबूत सेंसिबल बच्चियां होंगी वो कभी ऐसे लिखेंगी नहीं। लिखती हैं तो बाबा समझ जाते हैं, रीढ़ बकरी है, भेड़ बकरी है। तो ये तो अपने हाथ में है, जीवन को बचाना या नष्ट करना।
इस दुनिया में अनेक प्रकार के दुख हैं, अब बाबा तो सहज बताते हैं। तुम बच्चे तो मान भाग्यशाली हो जो आकर साहिब जादे बने हो। बाप कितना ऊंच बनाते हैं फिर भी तुम बाप को गाली देते हो, सो भी कच्ची गाली। कच्ची गाली का मतलब क्या होता है? झूठी गाली है, उसका कोई दोष नहीं, उसको गाली दे रहे। इतने तमो प्रधान बने हो जो बात मत पूछो। इससे जास्ती और क्या सहन करेंगे? कहते हैं ना, जास्ती तंग करेंगे तो खत्म कर देंगे। तो ये बाप बैठ समझाते हैं शास्त्रों में, तो कहानियां लिख दी हैं। बाबा युक्ति तो बहुत सहज बताते हैं। कर्म करते हुए याद करो, इसमें बहुत बहुत फायदा है। सवेरे आकर याद में बैठो, बहुत मजा आएगा, परंतु इतना शौक नहीं है। टीचर स्टूडेंट की चलन से समझ जाते हैं ये फेल हो जाएंगे। बाप भी समझाते हैं ये फेल हो जाएंगे, तो भी कल्प कल्पांतर के लिए। बल भाषण भी तो बहुत होशियार है, प्रदर्शनी भी समझा लेते हैं, परंतु याद है नहीं, इसमें फेल हो पड़ते हैं। ये भी जैसे डिसरिगार्ड करते हैं, याद नहीं करते हैं, ये भी डिसरिगार्ड करते हैं। इसका डिसरिगार्ड करते हैं, अपना ही करते हैं। शिव बाबा का तो डिसरिगार्ड होता नहीं। ऐसे कोई कह ना सके कि हमको फुर्सत ही नहीं है याद करने की, बाबा मानेंगे ही नहीं। बाबा कैसे मनाए बाबा को? तुम स्नान करते भी मुझे याद कर सकते हो, भोजन करते समय भी मुझे याद कर सकते हो, आना क्या उसने? बाबा ने श्रीमत दे दिए, उस श्रीमत का बैठकर मनन करो, अपने आप को समझाओ कि मुझे सच के रास्ते पर चलना है, मुझे झूठ के रास्ते पर नहीं चलना। पर सच मुझे बाप ने बता दिया है और कोई बता नहीं सकता। इसमें बहुत बहुत कमाई है। कई बच्चे सिर्फ भाषण में नामी ग्रामी है, योग है नहीं, वो अहंकार भी गिरा देता, वे अहंकार भी गिरा देता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग
हम बच्चों की भी बाप दादा को निगरानी, बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक, सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति लेने के लिए याद का चार्ट बढ़ाना है। याद के भिन्न भिन्न युक्तियां रचनी है। एकांत में बैठ विशेष कमाई जमा करनी, विशेष कमाई जमा करनी, सत्व प्रधान बनने का ओना रखना है, गफलत नहीं करनी है, अहंकार में नहीं आना है, सर्विस का शौक भी रखना है, साथ साथ याद की यात्रा पर भी रहना है। वरदान, सब कुछ बाप हवाले कर कमल पुष्प समान न्यारे प्यारे रहने वाले, डबल लाइट भाव, क्या बनो, बाप का बनना अर्थात सब बोझ बाप को दे देना। डबल लाइट का अर्थ ही है सब कुछ बाप हवाले करना, कुछ भी मेरा नहीं, तब हम डबल लाइट। यदि मेरा कुछ भी है तो हम डबल लाइट, मैं आत्मा लाइट हूं, मेरा कुछ है ही नहीं तो बोझा भी नहीं। ये तन भी मेरा नहीं, तो जब तन ही नहीं तो बाकी क्या, आप सबका वायदा ही है तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। जब सब कुछ तेरा कहा तो बोझ किस बात का, इसलिए कमल पुष्प का दृष्टांत स्मृति में रख सदा न्यारे और प्यारे रहो तो डबल लाइट बन जाएंगे। स्लोगन है, रूहानियत से रोब को समाप्त कर स्वयं को शरीर का की स्मृति से गलाने वाले ही सच्चे पांडव। रूहानियत से रोब को समाप्त करो, रूहानियत माना मैं आत्मा हूं, ये सब आत्माएं हैं। स्वयं को शरीर की स्मृति, मतलब शरीर की स्मृति खुद भी भूलनी है, औरों को भी भुलानी है। जो ऐसा काम करते हैं वो सच्चे पांडव हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।